सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि आप इन कर्जों को आपस में इस तरह जोड़ दीजिए कि हमें कुछ रियायत मिल जाए। लिफाफे में मौजूद दस्तखत शुदा कागजात मेरी नेक नियती की आईना दार है। जैसे ही वो दस्तावेजात पर दस्तखत करेंगे, हमारी शराकत खत्म हो जाएगी। कर्ज का मसला जिसे हम आलमी सरमायाकारों के होते हुए हल नहीं कर सकते, उन्हें बतौर वजीफा तफवीज कर दिया। इस तरह फवाद साहब समझेंगे कि हम उनका इम्तिहान ले रहे हैं, और खुद को साबित करने की खातिर वो इस मसले के हल के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन आप इन कागजात पर इसलिए दस्तखत नहीं करेंगे कि हम चाहते हैं, आप अपनी मर्जी से इन पर दस्तखत करेंगे, इस यकीन के साथ कि शराकत दारी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी बल्कि ये आपके लिए नुकसान का बायस बनेगी। इसका मतलब तौफीक पाशा के लिए बनाया गया मंसूबा नाकाम हो गया। अगर उसे आपके बारे में शुबात है तो वो मेरे बारे में भी मशकूक हो गया होगा, और उसने मेरे बारे में बात भी की होगी बीदार सुल्तान से। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि आप शिवनाज खातून पर कड़ी नजर रखें, जो कुछ भी आप देखें और सुनें हमें उससे आगाह करें। उसका एतमाद जीतने की खातिर तुम्हें हर हाल में ये मसला हल करना होगा। कैसे होगा ये? आपने कहा कि रुथशील्ड उसके खिलाफ है। तो फिर हम रुथशील्ड को इसमें शामिल कर लेंगे। मुझे माफ कर देना बेटी, क्या अम्बरी साहब रियासत के राजों के पीछे हैं सुल्तान मौसम? ज़ाहिर है फवाद साहब वो वाहिद इंसान नहीं जो रियासत के राजों को जानना चाहते हैं। नायमे और अब्दुल कादिर आज कागजात पर दस्तखत कर देंगे। इसके लिए कोई जल्दी नहीं है सुल्ताना, अहम बात ये थी कि फैसला हो जाए बस। रुथशील्ड यूनान में है फौत, और पता है वो आज रात यहाँ आ जाएंगे। वक्त जाया नहीं किया आपने। वक्त कम है हमारे पास, मैंने उन्हें बुला तो लिया है, लेकिन उन कर्जों का मामला हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। हमें इंतजाम करना होगा, इन कर्जों से निकलने के बाद उस्मानी फिर दोबारा मजबूती से खड़े हो जाएंगे, यानी इसमें खतरा है। फिक्र मत कीजिए आप, चाहे ये जितनी मजबूती से खड़े हो जाए हम इन्हें काबू करना जानते हैं। उस्मानियों को इन कर्जों से निजात पाने दें, मजबूत होने दें। जब हम इनकी क़यादत करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मफाद में होगा। चूंकि बाबा को पहले ही सब कुछ मालूम है, इसीलिए वो हमारी मदद कर रहे हैं, हमें उनका एतमाद नहीं खोना चाहिए। नहीं खोएंगे, जब तक रुथशील्ड हमारे पीछे है तब तक हमारा नाकाम होना नामुमकिन है। नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। उन्होंने आने से पहले ही अपना काम शुरू कर दिया है। सदर आजम अली और हन्नस पाशा का इस्तीफा चाहते थे। क्या वो तमाम लोग रुथशील्ड के आदमी हैं? नहीं,
लेकिन ये जितने भी लोग हैं सब हमारे बैंकों के मकरूज थे। कर्ज को बहादुर के हाथ का कोड़ा कहते हैं। देखो वो कोड़ा रुथचाइल्ड के हाथ में है। बहुत खूब। अच्छी बात तो ये है कि चल पूरी दुनिया मेरे बाबा की मकरूज होगी। महमूद पाशा अब कैसे हैं? क्या वो ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ तक कि वो खड़े होने लगे हैं, हम उनसे कहते हैं आराम कर ले, लेकिन नहीं सुनते। घर से बाहर ताज़ा हवा के लिए भी चले जाते हैं। हमें खुशी भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो हमारी तीमारदारी से तंग आ गए हैं। सुनेहा सुल्तान, ऐसा मत कहें। आपकी तवज्जो और ख्याल से ही महमूद पाशा सेहतयाब हुए हैं। दुरुस्त फरमाया। आप तो जानती हैं मर्दों को ज्यादा तवज्जो भी कहाँ पसंद आती है, और हमने उन्हें खुसूसी वक्त दिया ताकि वो तंदुरुस्त हो जाए। माशाल्लाह, आप भी पहले से बेहतर लग रही हैं। अल्लाह का शुक्र है। हमें अब्दुल कादिर और नायमे से मुतालिक एक मसले ने परेशान किया हुआ था, लेकिन जल्दी वो मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या हुआ? मत पूछिए। हमें बताए बगैर वो किसी कारोबार में शामिल हो गए। शिवनाज खातून के कारोबार में शराकत दार बन गए। क्या वाकई? जी बिल्कुल। अल्लाह के करम से शिवनाज खातून ने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमारे बच्चों की शराकत दारी खत्म करने के कागजात भेजे हैं। क्या वो उसे खत्म कर देंगे? क्यों नहीं, वो बिल्कुल करेंगे। वो तिजारत के मुतालिक कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन वो सीख भी तो सकते हैं बिदार खातून, वो इससे बहुत बेहतर रकम कमा सकते हैं। आप इस तरह क्यों कह रही हैं? तिजारत में खतरा होता है। नायमे और अब्दुल कादिर को ऐसे खतरात का सामना करने का कोई तजुर्बा नहीं है, और वैसे भी जो सामान यूरोप से आ रहा था वो जल गया है, और वो दोनों नहीं जानते कि अब क्या करना है। क्या सारा सामान जल गया? जी हाँ, सब जल गया। बहुत नुकसान हुआ है। ये आप क्या कह रही हैं? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रकम डूब गई। या मेरे अल्लाह, हम महमूद को क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे? ये नहीं हो सकता। हमें पहले ही बेचैनी हो रही थी। तो आप भी लिबास वाले कारोबार में शराकतदार हैं? जब हमने सुना कि बच्चे शराकतदार बनने जा रहे हैं तो हमने भी शामिल होना चाहा। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे पहले। कारोबार में लगाई सारी रकम डूब गई। हम नहीं जानते अब क्या करें। अजाले के लिए और रकम मांगी तो क्या होगा? परेशान मत हो, मसला संभाल लिया गया है। नुकसान का अजाला हो गया है। ओह, अल्लाह का शुक्र है, वरना महमूद तो हमें जरा भी रकम ना देते। हाय अल्लाह। तो आपको उनकी शराकतदारी का इल्म था, आपने हमें क्यों नहीं बताया? बच्चे चाहते थे कि हम किसी को ना बताएं, लेकिन रकम कमाकर वो आपको बताने वाले थे। हम ये नहीं चाहते थे, और सुल्तान मुअज्जम भी इस पर रजामंद नहीं थे। आपको उन्हें बहुत पहले ही मना कर देना चाहिए था। हमसे पहले वो शराकतदार बन चुके थे, बाद में शराकतदारी की हमने। जब बच्चे शामिल हो गए तो हमने सोचा कि साथ देना चाहिए उनका। अब बच्चों ने शराकतदारी खत्म कर दी है। इंशाल्लाह हमारे सुल्तान के इल्म में आने से पहले आप भी इसे छोड़ देंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है हमारे पास। अब जब सारा सामान ही जल गया है तो कारोबार किस चीज का होगा। ठीक है, हमें चलना चाहिए। तौफीक पाशा वाला मामला हल हो चुका है। मालूम यह हुआ है कि हुक्म तौफीक पाशा की जानिब से नहीं दिया गया था। हमें यह सुनकर बहुत खुशी हुई सुल्तान मुअज्जम कि हमारे एक बेहतरीन सियासतदान को बोहतान से निजात मिल गई। हमें भी इस बात की बहुत खुशी है। पाशा हजरात, हमें आज कुछ इस्तीफे मौसूल हुए हैं।
صدر اعظم پاشا مصطفی ہونا چاہتے ہیں, وزیر اعظم پاشا مصطفی ہونا چاہتے ہیں. ہم نے ان کا استعفیٰ قبول کر لیا ہے. اوہنس اور علی پاشا بھی یہی چاہتے ہیں. سیاستدان وہ ہوتے ہیں جو اپنی قوم کی خدمت کرتے ہیں, ریاست کے وفادار ہوتے ہیں. لیکن اگر ایسے لوگ سیاستدان ہوں جو عوام سے اپنی خدمت کروانا چاہتے ہوں تو ان کا شمار ظالموں میں ہوتا ہے. ذرا سوچئے کہ آپ کی زندگی میں پھر کبھی کوئی ایسا موقع آئے گا کہ آپ ریاست کی خدمت کر کے اپنا سر پوری دنیا میں فخر سے بلند کر سکیں. اوہنس اور علی پاشا, آپ کے استعفے قبول کیے جاتے ہیں, جا سکتے ہیں آپ. ہم صرف ریاست کے وفادار لوگوں کے ساتھ ہی آگے بڑھیں گے جو ریاست کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں, جنہوں نے اس کی کامیابی اور فلاح کا خواب دیکھا ہے, جو اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں. فواد صاحب کو ایک فریضہ سونپا گیا ہے جس کے بعد وہ یہ ثابت کر پائیں گے کہ وہ کتنے باصلاحیت ہیں. ریاست کو قرضوں کے بوجھ سے نکالنے کی ذمہ داری ہم نے فواد صاحب کو دی ہے. انشاءاللہ میں اسے سنبھال لوں گا سلطان معظم. صورتحال کیا ہے فواد صاحب؟ سلطان معظم, میں نے دریافت کیا ہے کہ مختلف جگہوں پر ہماری ریاست کے تمام قرضے در حقیقت روتھ چائلڈ کے ہیں. ایک زمانے میں تمام یورپی بینک جن سے ہم نے قرضے لیے تھے وہ بینک اب روتھ چائلڈ کے ہیں. یعنی عالمی سرمایہ کاروں کی سازش ہے یہ. میں نے روتھ چائلڈ کو پایا تخت آنے کی دعوت دی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے. وہ آپ سے آ کر ملنا چاہتے ہیں. کون ہے وہ شخص جس کی بات کو جب وہ چاہے قبول کر لیا جائے؟ آپ اس شخص سے ملیں گے جس نے ہمارے پاشا حضرات کو اپنا مقروض بنا لیا. آپ سب لوگ جا سکتے ہیں, ہمیں فواد صاحب سے قرضوں کے معاملے پر اہم بات کرنی ہے. آ جائے. روبینہ خاتون یہاں ہیں؟ وہ اندر ہیں. آ جائیں. تم کیوں آئے ہو؟ ہمارا مہمان آ رہا ہے, میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں. مجھے پہلے ہی معلومات مل گئی تھی, میں صحافی ہوں گارو, کیا تم بھول گئے ہو؟ اور تم ایک بہترین صحافی ہو, تم اس سے ملنے کا راستہ تلاش کر رہی ہو, ہے نا؟ میں نے کر لیا ہے. مجھے یہ بتاؤ, کیا وہ آدمی اتنا ہی طاقتور ہے جتنا کہا جاتا ہے؟ میں نے اپنا کام کرتے ہوئے ان میں سے آئے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے گارو, لیکن تم میرا یقین کرو, یہ شخص پیدائشی طور پر بہت خوش قسمت ہے اور ہمارے کام کا بھی. بیلجیم, تم یہاں کام کی تلاش میں آئے ہو مگر تمہارے پاس کوئی دعوت نامہ نہیں ہے. یعنی تم عثمانی ریاست میں داخل نہیں ہو سکتے. مجھے تمہیں اسی جہاز سے واپس بھیجنا ہوگا. یہ معزز شخص میرے مہمان ہیں,
ये मेरे कारखाने में लगाई मशीनों के लिए आए हैं। ठीक है, जा सकते हैं आप। चले जनाब एडवर्ड चॉरिस। आपको उस्मानियों के बारे में गलत मालूमात हासिल है। आप रिश्वत से सब कुछ नहीं कर सकते यहाँ। कागजात की भी जरूरत होती है। अगर आप उस अफसर को रिश्वत की पेशकश करते तो खुद को इस वक्त किसी उस्मानी जिंदान में कैद पाते चॉरिस साहब। लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि उस्मानी जिंदानों का हाल बिल्कुल वैसा ही है जैसा अखबारों में आता है। मेरी तरफ देखो, कौन हो तुम? कैसे जानती हो मुझे? तो तुम ऐसे शुक्रिया अदा करते हो? मैं यहाँ इत्तफाक से नहीं आई हूँ, ना ही मैंने तुम्हें इत्तफाक से बचाया है। मैं रुबीना फाइन हूँ, उन्होंने तुम्हें बताया होगा। तुम तो सहाफी खातून हो। खुशकिस्मती से उन्होंने मेरा जिक्र किया है ना? फिर तुम इस लम्हे को अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि अब मैं पाया तख्त में कदम रख चुका हूँ। अब यहाँ और दुनिया में बहुत सारी तब्दीलियां रोनुमा होने वाली हैं। तुम क्या करोगे? तुम दुनिया को तब्दील करने के लिए क्या करोगे? मैं अपना काम करूंगा और कत्ल कर दूंगा। हजार लोगों को मारने के बाद भी दुनिया तब्दील नहीं होगी। सब बदलेगा। तुम गलत हो, सब कुछ बदलेगा। इस शहर का फातेह सुल्तान महमद रोम को भी फतह करने वाला था और उसने ओतरांतो पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन क्या हुआ, मर गया वो। अगर वो ना मरता तो ईसाई अब तक मुसलमानों के ही जेरे असर होते। एक आदमी मरा और दुनिया तब्दील हो गई। कहाँ जा रहे हो? नौकरी तलाश कर ले, उसके बाद तुम्हें तलाश करूंगा, खूबसूरत औरत। फवाद साहब, अगर आपने रियासत को कर्जों से निजात दिला दी तो रियासत में तरक्की की राहें खुल जाएंगी। यकीनन ऐसा ही होगा। बिलाशुबा, पहले कर्जे में बर्तानिया के पाल्मर्स और फ्रांस के गोल्डशमिट की सालिसी के जरिए मिस्री रियासत के महसूलात को बतौर जमानत देकर 33 लाख लीरा बतौर कर्जा लिए गए थे। इस कर्जे में से 25,74,000 लीरा खजाने में चले गए और उस वक्त हमने रुथशाइल्ड के बैंक से 55 लाख लीरा बतौर कर्जा लिए। इस तरह रियासत साल 1874 तक 15 मुख्तलिफ बैंकों की मकरूज हो गई। जब हम इस रियासत के सुल्तान बने तो इन कर्जों का मुकाबला किया। कर्ज हमेशा अजियत में मुबतला रखता है फुआद साहब। यह कर्ज रियासत के लिए मुसीबत बना हुआ है। आपको इस बात से अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। सुल्तान मोहसम, जब आप तख्त नशीन हुए तो आपका कर्ज उस वक्त 25,28,1,885 उस्मानी लीरा था। आपकी हुकूमत में अब ये कर्ज कम होकर सिर्फ और सिर्फ 32 लाख उस्मानी लीरा रह गया है और हमें बैनुल अक्वामी तिजारत से 4.3% मुनाफा हासिल होता है। इससे कौमी आमदनी में 1.3% इजाफा हुआ है और ये आपकी अहम कामयाबियां हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी में कामयाब हो जाते हैं तो इस अज़ियत से छुटकारा मिल जाएगा हमें। आ जाएं।
सुल्तान मौजम वेम्बरी साहब आ गए हैं। उन्हें आने दें। दरवाजा खोलो, आइए। वेम्बरी साहब, हमारा आपसे एक ही सवाल है, गुज़िश्ता रात आप कहां थे? मैं बाहर गया था सुल्तान मौजम। कहां गए थे आप? दरअसल गुज़िश्ता रात आप कहां थे वेम्बरी साहब? मुझे माफ कीजिएगा, मैं अकेले में इस बारे में बात करना चाहता हूं आपसे। फौज साहब, आप जा सकते हैं। जो आपका हुक्म सुल्तान मौजम। आ जाए। सुल्ताना, आपने मुझे बुलाया? हम जानते हैं कि सुल्तान मौजम आप पर एतमाद करते हैं, इसीलिए हमने आपको बुलाया है ताकि आपसे बात की जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। क्या आपको इस पर लिखे पते के बारे में कुछ मालूम है? ये एक दूर दराज जगह है, अक्सर लोग वहां जाने से गुरेज करते हैं क्योंकि वो इलाका बहुत ही वीरान है। मैं फौज साहब की मौजूदगी में बात नहीं करना चाहता था। जवाब दीजिए हमें। मैं मौला फिनानी मस्जिद गया था सुल्तान मौजम। क्यों गए थे आप वहां, किस काम से गए थे? मैं एक पुरानी कहानी की पैरवी कर रहा था। कहा जाता था कि बाइजेंटिनी सल्तनत के जवाल से पहले उसके तमाम राज उस मस्जिद में रखे गए थे जो पहले एक चर्च था। मैं बस तजस्सुस में था। इन कहानियों का ताकुब छोड़ दें वेम्बरी साहब, जो लोग भी इन कहानियों के ताकुब में गए वो लोग फना हो गए, ऐसे जैसे वो कभी जिंदा ही नहीं थे। ख्याल कीजिए वेम्बरी साहब, आपको कुछ हो भी सकता है। हो सकता है कि आप ऐसे राज जान जाएं जिसके बाद अगली सुबह का सूरज न देख पाए। तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है। असल में मैंने तुम्हारी तकलीफ के बारे में सुना था। जानती हूं मैं, लेकिन मुझे हैरत हुई कि तुम खलील खालिद जैसे आदमी से मोहब्बत कर बैठोगी। कैसे कर सकती हो तुम ये ज़ैनब? उससे मोहब्बत करने का नतीजा देख लिया तुमने? वो आदमी खतरनाक है, जज्बाती है, और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है कि वो अब्दुल हमीद का सबसे वफादार आदमी और हमारा दुश्मन है। मैं खुद को नहीं रोक सकती, खलील खालिद से मोहब्बत करती हूँ मैं। अपनी बहन से भी ज्यादा, और वो माँ बाप जो अब इस दुनिया में नहीं है, क्या उनसे भी ज्यादा प्यार है उससे? असल में तुम्हें जिससे प्यार करना था वो है मेहमत सलीम, ना कि खलील खालिद। अपना फर्ज भूल गई हो क्या? नहीं भूली मैं। तो ऐसी गलती मत करो जो तुम्हारे फर्ज में रुकावट बने। आज शाम की दावत की फेरिस्त है ये। ठीक है, अपने बाबा के लिए मुझे एक बेहतरीन दावत का एहतमाम करना है। उन्होंने ये असलहा पैरा से हासिल किया था। किसने? मालूम नहीं जनाब, लेकिन फरोख करने वाले को जानता हूं मैं। तैयार हो जाओ, चलो उससे चलकर पूछते हैं ये किसे बेचा।
सुल्तान मौजम से क्या कहा? यही कि सुल्तान मौजम आज इस मुकाम पे इसलिए हैं क्योंकि वो सुल्तान है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि अंदर क्या कहा तुमने, बताओ जल्दी। मैंने उनसे कहा कि मैं एक पुरानी कहानी के ताकुब में हूं, यानी मैंने कुछ नहीं बताया। हमें ऐसे आदमी से डरना चाहिए जिसने अपनी बेटी को मार दिया। बिल्कुल डरना चाहिए, ऐसा इंसान क्या नहीं कर सकता जिसने अपनी ही बेटी को मारा हो। देखिए व्हाट्सएप, अब बहुत हुआ। मैं आर्मीन बेम्बेरे हूं और आर्मीन एक यहूदी नाम है, और मैं एक यहूदी के तौर पर तुम्हें खबरदार करना चाहता हूं कि इसके बाद मेरा बाजू पकड़ने वाले का हाथ टूट जाएगा। जो मुझे हुक्म देगा वो गूंगा और धमकी देने वाला बेआवाज हो जाएगा, समझे या नहीं समझे? पिस्तौल जिसे बेची है उसे तलाश कर रहे हैं। जिससे ये पिस्तौल ली है उसी से पूछ लो। मर चुका है वो। मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, ये हमारे इदारे का उसूल है। जो पूछा है वो बताओ वरना जबान खींच लूंगा तुम्हारी। बताओ किसे बेची थी तुमने? ठीक है ठीक है। एंजो, एंजो नामी आदमी को बेची। दिखाओ मुझे। उसने 30 पिस्तौल खरीदे। तो अतालवी अभी तक यहां मौजूद हैं? की गोलियां खत्म हो गई जनाब। फिर वो भाग क्यों नहीं रहे तथार? एहतियात से। बताओ कहाँ है जामगोस? जामगोस कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है जामगोस? कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है जामगोस?
कहाँ है? कहाँ है? ठीक कह रहे हैं नादिर साहब, अब ये बात करने की हालत में नहीं। जज़ार, अंदर मत जाओ। क्या मतलब है तातार? चामकोस अंदर हो सकता है? ये कोई जाल भी हो सकता है इनका, हम इसे नहीं संभाल सकते। मैं यहाँ इंतजार करता हूँ, तुम जाके सबको खबर कर दो। ठीक है, बताते हैं ना, ये घर खतरनाक हो सकता है, मैं जल्दी उन्हें लेकर आ जाऊंगा। किसे तलाश कर रही हैं बाजी? खलील खालिद, क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ चाचा को तो जानता हूँ मैं, लेकिन अभी तो वो चले गए हैं। जब वो वापस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा क्या पाई थी। ठीक है, मेरा नाम सेना। हाँ, आपको जानता हूँ मैं। कैसे जानते हो? मैंने आपको देखा है, आप चाचा की दोस्त है ना? जनाब, क्या वो अंदर है? तातार, वो अंदर हो सकते हैं जनाब, अभी कोई बाहर नहीं आया। जज़ार, इर्द गिर्द का मुआयना करो तुम। ये किसका घर है तातार? ममदू साहब का घर है, लेकिन बंद पड़ा है काफी अरसे से। चाचा जल्दी आए, वो भाग गए। कहाँ भाग गए, कैसे भाग गए? वो पीछे से छलांग लगा के भाग गए, बच्चों ने बताया है। चलो उन्हें तलाश करते हैं। रुको, जामकोस अंदर हो सकता है, हम उन गुंडों को बाद में पकड़ लेंगे, पहले हमें जामकोस को तलाश करना है। क्या आपको यकीन है वो यही होगा? मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। अगर वो यहाँ नहीं भी हुआ तो हो सकता है हमें कोई सुराग मिल जाए, वो आदमी यहाँ बेकार में तो नहीं आए होंगे। बेकार कोशिश मत करो जज़ार, ये बंद है और मजबूत भी बहुत है, हमें चाबी तलाश करनी होगी। पिछली तरफ की जिस खिड़की से वो भागे हैं वो बहुत ऊंची है, हमारा उस तक पहुँचना मुश्किल है। हम चोरों की तरह दाखिल नहीं होंगे, हम मेमदू साहब को बुलाएंगे और वो दरवाजा खोलेंगे। अगर ये चाल हुआ तो हम एहतियाती तदाबीर कर लेंगे। अल्लाह उम्र दराज फरमाए। महमूद पाशा, आपको आराम करना चाहिए। सुल्तान-ए-मुअज़्ज़म, आराम करते करते अब तो उकता चुका हूं मैं। सुल्तान-ए-मुअज़्ज़म, माफी चाहता हूं, मैंने सुना है कि आपने फवाद साहब को कोई फरीजा सौंपा है। बिल्कुल पाशा, सौंपा है, मगर पहले हमने फवाद साहब की गद्दारी के बारे में सबूत लिया। फवाद साहब? और फिर हमने ये जानने के लिए कि उनके पीछे किसका हाथ है उन्हें एक फरीजा सौंपा। मालूम हो गया कि उसे इतनी हिम्मत और ताकत रुथ्सचाइल्ड से मिली है। रुथ्सचाइल्ड, सरमायादाराना निजाम का सबसे बड़ा मगरमच्छ। फवाद साहब खुद को जाहिरी वफादार साबित करने के लिए कर्जों के खात्मे के लिए इकदामात करेंगे। जैसे ही दस्तखत हो जाएंगे, हमारे सिपाही फवाद साहब को उसी वक्त गिरफ्तार कर लेंगे। बेहतरीन मंसूबा है आपका, निहायत शानदार। तहसीन पाशा, शीशे के कारखाने के मामले की क्या सूरत हाल है? मुलाजमीन भर्ती किए जा रहे हैं। जैसे ही कर्ज का मसला हल होगा, एक के बाद एक कारखाना लगाएंगे हम, इंशाल्लाह। वक्त के साथ साथ तमाम मामलात हल हो जाएंगे। अफसर साहब, काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, मुलाजमीन रख लिए हैं, अब मशीनों के लिए इंजीनियरों से बात कर रहे हैं। आला, आप काम शुरू कर सकते हैं इंजीनियर साहब। सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं, आप हमेशा फतेह याब रहे। सुल्तान-ए-मुअज़्ज़म। होलो पाशा,
क्या इदारे के इफ्तिताह से पहले तमाम भर्तियां हो जाएंगी? हो जाएंगी सुल्तान मोहसम, मुलाजमीन और इंजीनियर्स को भर्ती किया जा रहा है। ये जनाब भी एक इंजीनियर हैं। क्या वाकई? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जनाब। आपने कहाँ से तालीम हासिल की? फ्रांस से। जर्मन लोग मशीन के काम के माहिर होते हैं, हमें उम्मीद है कि आप भी बासलाहियत होंगे। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सुल्तान मोहसिन। आपके हाथों में क्या हुआ? परसों से मशीनों पर काम करने की वजह से ऐसे नजर आने लगे हैं। हर पेशा इंसान पर एक निशान छोड़ देता है। आप मेरे हाथों को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं सुल्तान मोहसिन? यूरोपी रिसाले का एक मजमून पढ़ा था हमने, उसमें लिखा था कि जिनके अंगूठे गैर मामूली तौर पर लंबे होते हैं पेशावर कातिल होते हैं वो लोग। हमने पेशावर कातिलों की चंद तस्वीर मुलाहिजा की हैं। कुछ के अंगूठे वाकयतन ऐसे ही थे, लेकिन ये गैर इल्मी ख्याल है, हकीकत से ताल्लुक नहीं। और वाह मेसियो। और वाह सुल्तान मौसम। برطانوی سفیر کی اہلیہ نے اس لباس کو دعوت میں پہنا اور جرمن سفیر کی اہلیہ نے فوراً ہی اس کی تیاری کا حکم دے دیا۔ برطانوی سفیر کی اہلیہ نے دو اور لباس تیار کروائے ہیں۔ جلد ہی پایا تخت کے تمام لوگ یہیں سے لباس لیں گے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ کپڑے جلنے کے بعد میں پریشان ہو گئی تھی، مگر اس ہفتے جب مجھے دو گنا کام ملا تو میں بہت خوش ہو گئی۔ بہت خوب۔ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ آپ دونوں پریشان لگ رہے ہیں۔ ہمارے خواب سچ ہو رہے ہیں، دیکھیے نا، خوشی کی بات ہے۔ बदकिस्मती से हम इसे जारी नहीं रख पाएंगे विक्टोरिया। हम इस शराकत दारी से दस्तबरदार हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्यों? इस शराकत दारी की वजह से वालिदा और शिवनास खातून के दरमियान मसला हो गया है। हम किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। आज जब हम महल लौटेंगे तो हम कागजात पर दस्तखत कर देंगे और शराकत दारी खत्म हो जाएगी। आपका दिन अच्छा गुजरे। आपका भी। जी बोलिए। मेरा नाम हिकमत है और मैं एक कपड़े के कारखाने का मालिक हूँ, और मैं यहाँ आपको अपने कपड़े के नमूने दिखाने के लिए आया हूँ। हिकमत साहब, हम मकामी कपड़े नहीं खरीदते, हम यूरोप से और ज्यादातर कपड़े पेरिस से दरामद करते हैं। अगर इस कपड़े के मेयार पर नजर डालेंगे तो मुझे यकीन है कि आपकी सोच बदल जाएगी। मेहरबानी करके एक बार देखिए। आ जाएं। आइए। सुल्ताने मौसम, मुखल होने के लिए माजरत चाहती हूँ, लेकिन शिवनास खातून के बारे में कुछ बात करनी थी। माजरत की जरूरत नहीं। क्या आपको कुछ और भी मालूमात हासिल हुई हैं? हमें नहीं मालूम कि ये कोई अहम मामला है या नहीं, लेकिन हमने सोचा कि आपको दिखा देना चाहिए। शिवनास खातून ने गलती से इसे गिरा दिया था। हमने आपके जासूस उस्मान से मशवरा किया। उसने कहा कि यह बहुत दूर दराज की जगह है। हम नहीं जानते कि शिवनास खातून यहां क्यों जाती हैं। बस हम आपके इल्म में यह बात लाना चाहते थे। आपने अच्छा किया मलिका। कभी कभी हम हैरान हो जाते हैं जब अहम मामलात गैर मामूली चीजों से हल हो जाते हैं। हर मामले की तहकीक करना फायदेमंद रहता है। आप इस मामले में उस्मान से बात कर चुकी हैं। ये फर्ज हम उसे सौंपते हैं। वो कल 3 बजे वहां मौजूद होगा। देखते हैं कि शिवनास खातून वहां क्या करती हैं।
नसीम साहब से मुलाकात हुई? क्या कल की तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं? मैं मिला था उनसे, कल 3 बजे तक सब तैयार हो जाएगा। बाबा के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती, तुम जाओ और देखो किसी चीज की जरूरत तो नहीं। ठीक है मोहतरमा। ये बताइए, मैं आपके उन निहायत खुफिया इजलास में कब से शमूलियत इख्तियार करूंगा? शायद कई बरसों बाद, या फिर कभी भी नहीं। क्यों? तुम्हें वहां जाने के लिए खुद को साबित करना होगा, फिर जो होगा वहां उसे बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। खलील खालिद आपकी सोच से भी ज्यादा मजबूत और ताकतवर है। बिल्कुल। हम अफसरदा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबा जल्द ही भाई के साथ साथ हमारी भी तारीफ करेंगे। ये है वो नक्शा जनाब। आपका शुक्रिया। हम महल और बादशाह हजरात के दरमियान फासला पैदा करेंगे ताकि इंतजामिया बोहरान का शिकार हो जाए। हमने जितनी भी सरमायाकारी यूरोप से दरामद में लगाई थी वो डूब गई है, यानी कपड़ा जो यूरोप से मंगवाया था वो जल गया है। एडवर्ड के पास अब्दुल हमीद को तबाह करने का एक ऐसा मंसूबा है जो कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसा मंसूबा जो पूरी दुनिया को तब्दील कर देगा।